शॉर्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, लॉन्ग नहीं करना है बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अमेरिकन फेडरल सिस्टम, चैप्टर नंबर 3, अमेरिकन फेडरल सिस्टम, ठीक है, अमेरिकन फेडरल सिस्टम आज अपन करना है, जिदे विच में तुम दस दिया थी कि अमेरिकन फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम की होता है संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली किसको कहा जाता है, जिस दे विच पावर्स आर डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूट की किया जाती है पावर्स। अपने एक फेडरल सिस्टम है इंडिया के विच, व्हाई पावर्स आर डिवाइडेड इनटू द सेंटर एंड एज वेल एज द स्टेट्स। इधर विच किस तरह पावर डिवाइड की गई है, तीन सूचियां बनाई गई हैं, केड़ी-केड़ी है, कॉम्प्लेंटलिस्ट, स्टेटलिस्ट से जड़ी है कि यूनियन लिस्ट, है ना, तो इस तरह विच जड़ी है पावर्स में डिवाइड की गई है, विषय बनाए गए हैं कि फलाने विषय के ऊपर सेंटर का बना सकता है, फलाने विषय के ऊपर स्टेट का बना सकता है, तो बाकी अगर रेस्ट ऑफ ने ओदे विच सेंटर एंड स्टेट दोनों का बना सकते हैं। इसी तरह बेटा अमेरिका के विच फेडरल सिस्टम अपनाने के लिए मैं तुम कल दसा सीगा कि इस दे विच वक्रे संविधान की एक जड़ी है कि वो सहूलत दी गई है, वक्रे संविधान कि अगर अमेरिका के विच 50 स्टेट्स ने तो यानी कि ओके 50 कॉन्स्टिट्यूशन किने 50 कॉन्स्टिट्यूशन ने और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जेड़ा है हर एक स्टेट का एक अपना वक्रा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, समझ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने दसी है
ठीक है तो
अमरीका के फेडरल सिस्टम की है, तो ये मीडिया विशेषता ने